नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल कंप्यूटर पर। जो आप मेरा कंप्यूटर देख रहे हैं ना, जब से 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ है ना, मैं अपने मोबाइल का हॉट्स ओपन कर कर इस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चला रहा हूँ। आप बोलेंगे, भाई तेरी ऐसी क्या मजबूरी है कि तो अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट करके अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाता है। तो मेरे दोस्तों, ऐसी बहुत सारी मजबूरी है। पहली मजबूरी तो ये है कि वर्तमान के अंदर आप पूरे इंटरनेट पर चले जाओ, आपको 5G डोंगल नहीं मिलेगा। और जो डोंगल अवेलेबल भी है ना, उनकी कीमत कितनी है? 25,000, 35,000, 42,000, 40,000, ऐसे डोंगल अवेलेबल है जो 5G चला सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरी मेरी मजबूरी ये है कि मैंने इसके अंदर 5G सिम डाल दी है, और जो कि पोस्ट पेड सिम ले ली, जिसके अंदर 707 में आपको अनलिमिटेड डाटा मिलता है, आप कितना भी यूज़ करो। तो मैंने इस महीने कितना यूज़ किया, सॉरी पिछले महीने 1700 GB, इतना डाटा यूज़ हो जाता है दोस्तों। तो मेरे पास दो कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है और एक मेरा घर पे कंप्यूटर है। तो मैंने दोनों कंप्यूटर के है, दोनों अलग अलग जगह पे है, तो मैं दोनों का हॉटस्पॉट ओपन करके दोनों नेट चला लेता हूँ, और मेरे इस फ़ोन के अंदर भी चला लेता हूँ, और मेरे घर वालों भी मैं हॉटस्पॉट देता हूँ, वो भी नेट चला लेते हैं, ठीक है। और तीसरी दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं ना जियो को एयर फाइबर है और एयरटेल फाइबर नहीं ले सकता, क्योंकि एक तो उनका जो डाटा है वो केवल 1 TB है, सॉरी 1000 GB है, और दूसरा वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो देखिए, अगर आप अपने मोबाइल से 5G अनलिमिटेड डाटा यूज़ करते हो, जियो की सिम ले ले तो पोस्ट पेड कनेक्शन, या फिर वोडाफोन की भी आती है जिसके अंदर अभी आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो पोस्ट पेड के अंदर, तो क्या क्या बेनिफिट है, तो क्या क्या दोस्तों इसके नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि गर्मी का मौसम है और आप मोबाइल से हॉटस्पॉट चला रहे हैं, तो फ़ोन इतना अति गर्म हो जाता है ना, फिर वो स्पीड नहीं देता। स्पीड बोलो तो 1 MB तक नहीं देता। तो इससे क्या सोल्यूशन है, आप एक कूलर ओपन करिए या कूलर चलाइए, और कूलर के सामने फ़ोन रख लीजिए, कूल उसके सामने रखने के बाद आपका फ़ोन ठंडा होगा। अगर आप एसी कमरे में रहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, वरना आपको कूलर के सामने से रखना पड़ेगा, ये भी ढक्कन ओपन करके, यानी फ़ोन हीट बहुत करेगा गर्मी के अंदर। बाकी बारिश के अंदर, सर्दी के अंदर कोई समस्या नहीं, एकदम चिल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एक और समस्या है कि जो मेरे पास नया कंप्यूटर है ना, इसको मैं 5 GHz पर चलाता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर स्पीड ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन है, पुराना फ़ोन, वो 2 GHz से फ़ोन सपोर्ट करता है, तो मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है। कभी फ़ोन को 5 GHz पर करना पड़ता है, कभी 2 GHz करना पड़ता है, तो बार बार मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, इससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। तीसरे नंबर पर दोस्तों, अगर आप मोबाइल से कोई वीडियो अपलोडिंग कर रहे हो, जैसे 2 GB की या 5 GB की, तो इससे डाउनलोडिंग स्पीड बहुत भयंकर फ़र्क पड़ता है। आप डाउनलोडिंग कर ही नहीं पाओगे, आप गेमिंग नहीं कर पाओगे, कोई वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि जियो की जो अपलोडिंग स्पीड वो बहुत ही समय लगा था। एक बार मैं 10 GB फाइल अपलोड कर रहा था, मुझे पूरे 12 घंटे लग गए। तो 12 घंटे में नहीं मैं गेमिंग कर पाया, नहीं कुछ कर पाया, क्योंकि अपलोडिंग स्पीड डाउनलोडिंग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है, स्पेशली मोबाइल के अंदर बता रहा हूँ, तो आप कोई दूसरी चीज़ कर नहीं पाते हो, ये अपलोडिंग के अंदर बहुत भयंकर समस्या आती है। चौथा नंबर दोस्तों, मैंने एक और समस्या नोटिस की, जैसे आप मोबाइल हॉटस्पॉट से कंप्यूटर नेट चलाते हो ना, और जो एप्पल वगैरह का सीजन होता है ना, तो भाई भूल जाओ स्पीड क्या होती है, स्पीड ही नहीं आती। यानी कि क्रिकेट कुछ कुछ सीजन होते हैं जब सभी सभी लोग फ़ोन उपयोग करने लगता है, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आपकी डाउनलोडिंग स्पीड इतनी कम आएगी, 1 MB, 2 MB, 3 MB, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ये मोबाइल से अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हो ना, तो ये इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलेगी। आपका फ़ोन आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है, हॉटस्पॉट से, और इस दौरान कोई कॉल आ जाता है या कोई SMS आ जाता है, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जाती है ना, स्पीड इतनी भयंकर गिर जाती है कि वो कुछ सेकंड तक बहुत ज़्यादा डाउन रहेगी। फिर अगर आप उसको वापस उसी स्पीड लेना, जैसे 20 MB, 30 MB पे वापस लाना है ना, तो आपको या तो फ़ोन को फ्लाइट मोड में डालो या वापस निकलो, तभी वो शुरू जैसे स्पीड पकड़ पाएगा। यानी कुछ भी चीज़ होती है, जैसे फ़ोन आ गया, SMS आ गया, तो स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, मेरा रियल टाइम का एक्सपीरियंस है। तो ये 5 बातें दोस्तों मुझे डिसएडवांटेज लगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आप उपयोग करने वाले हो। देखो, तो अभी मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो अगर आप उपयोग करते हो ना, तो मोबाइल से आप कंप्यूटर में इंटरनेट परफेक्ट चला पाओगे। सबसे पहले, कभी भी आप अपने कंप्यूटर अंदर नेट चलाएं ना, तो आपके पास जो वाईफाई है ना, वो USB वाईफाई नहीं होना चाहिए। आपके पास एक PCI एक्सप्रेस वाला वाईफाई होना चाहिए, बहुत ही अच्छे फर्क करता है। नंबर 1, अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन से कंप्यूटर अंदर कनेक्ट है ना, और आप एकदम स्टेबल इंटरनेट चाहते हो, बिल्कुल स्टेबल, अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो, तो आप एक काम करिए, अपने फ़ोन के अंदर है ना केवल वाईफाई, तो अपने फ़ोन के अंदर केवल हॉटस्पॉट ही ओपन रखिए, बाकी सब चीज़ें बंद कर लीजिए।
क्योंकि अगर आपने सिम का नंबर बहुत सारे लोगों को दे रखा है तो बार बार फोन आते हैं, बार बार मैसेज आते हैं, इससे स्पीड बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आप चाहते हो ना आप फ़ोन आपके कंप्यूटर से परफेक्ट वर्क करें, तो उसको एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर फ़ोन हीट ना हो, ऐसे नहीं किसी ने कोने में रख दिया। तीसरे नंबर पर, जब भी आप अपना फ़ोन कंप्यूटर साथ कनेक्ट करें तो फ़ोन को पहले फ्लाइट मोड डालना और निकालना है, ताकि जब कनेक्शन एकदम अच्छी तरह वर्क करे, रीसेट हो जाए और फिर परफेक्टली वर्क करेगा। आप कितनी भी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 70 GB की फाइलें आधा घंटे या फिर 1 घंटे में निकाल देता हूँ बिना किसी समस्या के। बस यही होना चाहिए, आप फ़ोन पर बार फ़ोन नहीं आना चाहिए, बार बार कोई SMS नहीं आना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए फ़ोन। तो अगर डिस्टर्ब होता है तो स्पीड इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे होगी, आप परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, ये मैंने तीन चार उपाय बताए हैं, और अभी भी मैं अपना जो हॉटस्पॉट हो द्वारा अपना कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहा हूँ। कब तक चलाऊंगा? जब तक बाजार के अंदर कोई 5G डोंगल नहीं आ जाएगा 10,000 की रेट के अंदर। आज के समय एक भी डोंगल अवेलेबल नहीं है, चाहे आप कितना भी ढूंढ लीजिए। और जियो फाइबर और एयरटेल एयर फाइबर में बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। कंपनी ने केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये डिवाइस मार्केट में उतारा है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, बस एयर टू एयर है। एयर टू एयर कभी भी इतनी स्पीड नहीं आती, मोबाइल का हॉटस्पॉट से बेस्टर काम कर सकता है इन डिवाइस के अंदर। और इन डिवाइस के अंदर लिमिट है, 32 MB का प्लान, 100 MB का प्लान, 500 MB प्लान, ऐसी लिमिट डाल रखी है, ठीक है। और भी लोगों को इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है दोस्तों इन एयरटेल के अंदर और जियो के अंदर जो एयर फाइबर आते हैं, क्योंकि यार सबको पता है कि दोस्तों जो वायर वाला कनेक्शन आता है वही स्टेबल आता है, उसके अंदर ही पिंक कम आता है। ये जो एयर फाइबर जियो फाइबर, ये तो इन्होंने कंपनी ने लोगों को मूर्ख बना के लूटने वाला व्यवस्था की है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो मैंने बातें बताई, ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। कंप्यूटर संबंधी, विंडोज संबंधी, इंटरनेट संबंधी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करने, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।